हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बनाने जा रही हूँ भिंडी का शेरवा, और कोई लोग इसे भिंडी का खट्टा भी बोलते हैं। मैंने दो बड़े टमाटर लिए हैं, इसे काट लिया है, और मैं इसमें थोड़ी इमली ली हूँ, ये भी इसमें ऐड कर ले रही हूँ। और 1 ग्लास हम पानी डालेंगे इसमें, इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बॉईल हो रहा है। अब हम प्याज कट कर लेंगे। इसके लिए मैंने ये 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इसे बारीक स्लाइस कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये होममेड है, और मैं थोड़ा डाली हूँ, और 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे हम इसमें, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं इसमें, और थोड़े धनिया के पत्ते डाल रही हूँ इसमें। ये 100 ग्राम हड्डी है मटन की, मैं ये भी डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें मटन भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 50 ग्राम ऑयल डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल रही हूँ। हम इसे अच्छे से मिक्स करके 4-5 विजिल आने तक हम इसे स्टोव पर रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से बॉईल हो गया है टमाटे इमली। हम इसे अच्छे से मैश करके इसका पानी निकाल लेंगे। मैंने ये भिंडी ली है, इसे अच्छे से वॉश करके हम इसे इसके पीसेस कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे वॉश करके पीसेस में कट कर लिया है। हमें इसे ही पीसेस कट करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे 4-5 विजल्स हो गए हैं। हम इसे ढक्कन हटाते हैं। हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये प्याज अच्छे से भूननी चाहिए, भुने जाना। हम इसे अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। ये प्याज देखिए अच्छे से भुनी गई है, और 2 मिनट्स हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ये भिंडी काट कर रखे से ये ऐड कर लेंगे। इसे थोड़ी देर 1-2 मिनट्स के लिए पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने मैश करके ये अलग कर लिया है, इसे छान लिया है अच्छे से, इसका पानी निकाल लिया है। हम थोड़ा भिंडी गलने पर फिर हम ये इसमें डाल देंगे। और ये 2 टाइप्स बना सकते हैं। अगर आपको टमाटे ऐसे उबालने नहीं है तो हम भूनते वक्त ही इसमें स्लाइस करके टमाटर भी डाल सकते हैं। ऐसे भी बनाते हैं शेरवा, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, मैं ऐसे बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे 2 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। ये भिंडी गल गई है। हम इसमें ये मैश करा हुआ पानी डाल देंगे, और हम इसे फिर 2 मिनट्स के लिए पकने छोड़ देंगे अच्छे से। ये देखिए ऐसा होना चाहिए, ये शेरवा थोड़ा सा पतला रहता है, ये अच्छा रहता है, टेस्टी बनता है अच्छे से। आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम थोड़े इसमें धनिया के पत्ते फिर से ऐड करेंगे, टेस्ट अच्छा आता है इससे। इसे 1-2 मिनट्स के लिए पकने छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से पक रहा है। हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि हम टमाटे इमली को बॉईल कर लिए थे पहले। अब इसे थोड़ा तेल आने तक छोड़ देंगे 1 मिनट के लिए, फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पर ऑयल आ गया है। ये हमारा भिंडी का शेरवा बन के रेडी हो गया है। मैं इसके साथ अंडे बॉईल कर ले रही हूँ, ये चावल के साथ। ये चावल के साथ ले सकते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।